हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एसएससी सीएचएसएल 2020 के लिए आरटीआई लगाई गई थी कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसका आरटीआई रिप्लाई आ गया है। तो हम देखते हैं, पिछले साल का भी देखेंगे, 2019 में कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोग अपीयर हुए थे, इस साल का देखेंगे। तो काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा। प्रीवियस ईयर की एक बार कट ऑफ भी दिखा दूंगा, वैकेंसी ट्रेंड भी दिखा दूंगा आपको इस वीडियो में। तो सीएचएसएल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आज महीने साल का आखिरी दिन है, तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम आरटीआई पे जाते हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा। टोटल फॉर्म भरने वाले हमारे पास 37,37,850 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी के 9,75,000 लोग हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1,00,000, ओबीसी कैटेगरी से 15,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, लगभग एससी कैटेगरी से 8.5 लाख लोगों ने और एसटी कैटेगरी से 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा देखें कितने लोग फॉर्म भरने वाले हैं, कौन सी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भरा है, और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मिनिमम लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। बाकी कैटेगरी का डेटा आपके पास ये है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। टेंटेटिव वैकेंसी हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए, कितनी वैकेंसीज के लिए आप कंपीट कर रहे हो। अगर मैं बात करूं 2020 के अंदर आपके पास टोटल वैकेंसीज है 4,726, ठीक है, और फॉर्म भरने वाले हैं 37,00,000 एस्पिरेंट्स, तो लगभग 700 में से एक एस्पिरेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो कॉम्पिटिशन कम नहीं है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। टीयर वन की बात करें, टीयर वन में क्वालिफाई करने वाले 40,000 के आसपास एस्पिरेंट्स रहेंगे, और 40,000 से 50,000 के बीच में। और उसमें आप देखोगे टीयर वन की कट ऑफ क्लियर करने पे भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको उससे कहीं ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, जिससे क्या फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचो आप। तो सीएचएसएल में टीयर वन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, सीएचएसएल से सीजीएल से भी ज़्यादा कंपटीशन होता है टीयर वन एग्जामिनेशन में। अगर हम बात करें खाली यहाँ पे एक जॉब लेना भी काफ़ी नहीं होता। हमारे पास ये होता है कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे को दिल्ली में जॉब मिल जाए, राइट। अगर मैं यूपी में रहता हूँ तो यूपी में जॉब मिल जाए। अपने होम स्टेट की प्रेफरेंस भी हमारी होती है, जिस भी जॉब जो भी जॉब हम करना चाहते हैं उसमें भी ये होता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करना है। अब ये सारी एक डिपार्टमेंट की तो वैकेंसीज है नहीं, ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वैकेंसी, सभी डिपार्टमेंट्स की कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हो। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हो, कौन सा आपका पसंदीदा डिपार्टमेंट है, किसमें प्रमोशंस कैसे हैं, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही देखनी पड़ेगी। और उसके हिसाब से आप उस डिपार्टमेंट में जॉब लेना, तो वो कट ऑफ से भी जो फाइनल कट ऑफ आएगी उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर लाना पड़ेगा आपको, अगर अपना पसंदीदा डिपार्टमेंट चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कमर कस लो, आखिरी दिन है 2020 का, बहुत मनहूस साल था, निकल गया। 2021 में एक नई शुरुआत करनी है और बहुत मेहनत से तैयारी करनी है, हर साल एफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का वैकेंसी ट्रेंड देखोगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वैकेंसी 2016 में इतनी थी, 17 में कम हुई, 18 में थोड़ी सी बढ़ी, 19 में फिर कम हुई, और 2020 में और कम हो गई, वैकेंसीज कम हो रही हैं। ऑनलाइन सोर्सेज की वजह से अब क्या होता है कि सभी लोगों के लिए कंटेंट अवेलेबल है, फ्री में भी आप तैयारी कर सकते हो, सारे के सारे वीडियोज़ यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं हर चीज़ ही बढ़ा रही है। अब जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ठीक है, वैकेंसीज कम हो रही है, तो मेहनत आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, ये जिन लोगों के पास पैसे होते थे, जो कोचिंग अफोर्ड कर पाते थे, वो दिल्ली मुखर्जी नगर जाके तैयारी कर लेते थे। आज के टाइम पे क्या ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते कोर्सेज भी हैं, वरना फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो। तो उनसे आपकी तैयारी हो जाती है यहाँ पे, तो सभी लोगों को मौका मिलता है यहाँ पे। आप कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया, इसलिए सिलेक्शन तक नहीं पहुँच पाया। आज वो तीन सीन खत्म हो चुका है एसएससी एग्जाम्स में, तो खास तौर पे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बस अपने एफर्ट्स लगाने हैं। आप जो सिलेक्शन लोगे अपने एफर्ट्स की वजह से लोगे, ऑनलाइन पेपर होता है तो चीटिंग के चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं आप, राइट। तो आपको एफर्ट्स लगाने हैं, बहुत मेहनत करनी है, तब जाके आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। अब सीएचएसएल 2019 का डेटा आपको दिखा देता हूं। देखो, अगर सीएचएसएल 2019 में फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स हमारे पास 41,68,000 थे, लेकिन अपियर हुए थे सिर्फ 14,00,000। इस बार भी लगभग 13 से 14,00,000 एस्पिरेंट्स ही अपियर होंगे, इससे ज़्यादा अपियर नहीं होंगे, ठीक है। तो 13 से 15,00,000 की विंडो मान लेते हैं, इससे ज़्यादा लोग अपियर नहीं होंगे। फिर भी कॉम्पिटिशन कितना है हमारे पास, ठीक है, लगभग 300 में से एक जना भी सिलेक्ट हो रहा है, तो पूरा कंपटीशन। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो होती है, तो कैटेगरी वाइज कंपटीशन आपको देखना पड़ेगा। सीएचएसएल 2018 की कट ऑफ तो है हमारे पास, क्योंकि उसमें यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 135 गई थी, एससी कैटेगरी की 110, एसटी कैटेगरी की इतनी, ओबीसी कैटेगरी इतनी। तो सीएचएसएल 2018 का पेपर भी अच्छा था, मतलब लेवल थोड़ा ठीक रहा था, ठीक है। और आपको पता है कट ऑफ पे होने पे कोई जॉब मिलेगी नहीं, कट ऑफ से आपको कम से कम 10 से 15 नंबर तो मिनिमम कह रहा हूँ मैं, बाकी 20 नंबर तक भी एक्स्ट्रा लाने ही होते हैं जॉब तक पहुँचने के लिए। तो ये सीएचएसएल 2018 का डेटा है हमारे पास। 2019 की कट ऑफ आपकी अनाउंस की जाएगी 15 जनवरी को, तो देखते हैं क्या कट ऑफ जाती है, उसके हिसाब से आपको तैयारी और बूस्ट करनी पड़ेगी अपनी। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, तो मैं ये कहूँगा कि 2021 को वेस्ट मत करना, ठीक है। व्हाट्सएप जो ज़्यादा चला रहे हो, चैटिंग वैटिंग में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं एक सही सोर्सेज पकड़ो, वहाँ से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी स्ट्रेटेजी तैयार रखो। आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कितने टाइम में आप कोर्स कंप्लीट करोगे, कितने मॉक टेस्ट दोगे एग्जाम से पहले, कितना आपका टारगेट स्कोर है, और कौन सी आपकी ड्रीम जॉब है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए सीएचएसएल के लिए, ठीक है।
बाकी मेरी यूट्यूब पे तो बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं ही एसएससी सीजीएल कंप्लीट क्वांट करके, अनअकैडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, 80+ फ्री क्लासेस वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको, वो सारी देख सकते हो, उसमें कंपाइलेशन मिल जाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के मिल जाएंगे आपको, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड वो आप कर सकते हो, ठीक है। हर महीने मेरी 15 के आसपास फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे आती हैं, 10 से 15। टेलीग्राम चैनल पर सबका लिंक दे देता हूँ, तो वो आप देख सकते हो। बाकी यूट्यूब पे भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। बाकी इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका अकेडमी पे मिलता है, अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, PDFs वगैरह मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। कुछ नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं अभी, तो वो देख सकते हो। बाकी प्राइस हाइक है 31 तारीख से, सो आज लास्ट डेट है, उसके बाद कल से जो प्राइस होंगे अनअकैडमी प्लस के इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप अनअकैडमी से तैयारी करना चाहते हो तो बेटर यह है कि आज कर लो, बाकी प्राइस हाइक कितना होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी है, अगर फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है तो आप बाद में भी देख सकते हो। वरना अगर आपको यह है कि हाँ अनअकैडमी से ही तैयारी करनी है और ऐसे ही करना है, तो आप आज ही सब्सक्रिप्शन लें। रेफरल कोड है मेरा RB10, और इस कोड को अप्लाई करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा सभी प्लान्स पे। और ये जो कोड है ये सिर्फ SSC एग्जाम्स की कैटेगरी पे एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप अनअकैडमी से RB10 कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकते हो, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी करते रहो, हर तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। मैंने अब जैसे आपको बताया कि आप कैसे भी तैयारी कर रहे हो, आज के टाइम पे फाइनेंशियल कोई कंडीशन नहीं है कि पैसे होंगे तो ही आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल है, उसमें आपके पास डेटा प्लान है, आपके पास सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, मेहनत करोगे, ढूंढो, अपनी तैयारी करो, एक रूटीन बनाओ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कहाँ से कितना कितना कब तक क्या क्या करूँगा मैं और किस तरह से सिलेक्शन तक लूँगा। टॉपर्स के इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी की कमी नहीं है आज के टाइम पे, ठीक है। टॉपर्स की स्ट्रेटजी मिल जाती है आपको यहाँ पे, साथ मैं तो स्ट्रेटजी बताती हूँ, बाकी और चैनल्स पर और टॉपर्स की स्ट्रेटजी भी मिलती है आपको, ठीक है। जो आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बेस्ट है वो स्ट्रेटजी फॉलो करो, ठीक है। बस पूरे दिन स्ट्रेटजी देखने में मत बिताना, लेकिन जो आपको बेस्ट लगे कि हाँ मेरे लिए बेस्ट है, मैं इस तरह से करूँगा तो मेरा हो जाएगा, वो चीज़ें फॉलो करो और फाइनली सिलेक्शन तक पहुंचो। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे जल्दी मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।